guess all we had was eyes. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we were meant to be. One eternity later. Hello, G. Welcome. Welcome from somewhere in between NH53. मतलब हम लोग अभी दरभंगा और सिलीगुड़ी के बीच में कहीं तो अटके हुए हैं और अभी दोपहर के आई गेस 1 बज रहे होंगे और हम लोग यहाँ पे इस वाले लोकेशन पे जो है रुके हुए हैं लंच करने के लिए। अब आप ये सोच रहे हो कि हम इस जगह पे क्यों आए हैं, तो एक्चुअली हमारी दी एंड हमारे होने वाले जिया जी का प्री वेडिंग शूट का हम लोग बहुत अरसों से प्लानिंग किया जा रहा है, तो फाइनली ये अब एग्जीक्यूट हो रहा है। और बाकी मेरे सिनेमेटिक्स जो शादी वाले जो वीडियो हमने शूट कर रखे हैं वो भी जाके देख सकते हो। हमारे साथ टोटल 4 लोग जा रहे हैं और 6 लोग कैमरा वाले हैं जो कि हमें बहुत पहले छोड़ के चले गए, क्योंकि हम लोग जो थे ऑलमोस्ट 3.5 घंटे जाम में थे और वो जाम में इतना हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए कि मतलब 3 घंटे में हमें यहाँ पे हो रहा था और हम लोग लिटरली 7 घंटे में यहाँ पे हैं। रात तक हम लोग पहुँच जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ऑफ बीट जगह पे जा रहे हैं हम लोग। वीडियो के हीरो, ये हीरोइन, ये असिस्टेंट, तुम ये एक रूम है, वार्म तो नहीं बट काफी कोल्ड रूम है, समझ रहे हो। और ये हम है, सुबह के अभी बज रहे हैं तकरीबन 9:30 और हम अभी जस्ट 10 मिनट पहले उठे हैं, बिना नहाए आपसे बात कर रहे हैं। ये वॉशरूम है, गीज़र लगी हुई है तो सबसे अच्छी बात है, बट एक तकलीफ़ है, गीज़र का जो फंक्शन है वो इसमें यूज़ नहीं होता है। और बाकी लोकेशन की तो वैसे है, मतलब इतने कल रात में हम लोग थक हार के, मतलब एक पॉइंट ऐसा था कि अपन आएंगे नहीं इस लोकेशन पे, ऐसा पॉइंट आ चुका था क्योंकि सारे लोग थक चुके थे। और सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ था ना वो हम थे कि हमारी भी हालत टाइट हो चुकी थी, हमें भी आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन कैसे तैसे करके अपन रात के अप्रॉक्स 1 बजे के करीब हमने यहाँ पे आया है। ये बालकनी है, काइंड ऑफ बालकनी है, यहाँ से व्यू दिखता है जो अभी आपको दिखेगा। एक और ये कमरा है, ये मेन रोड यही है, बाकी यहाँ के घर वगैरह छोटे छोटे। यहाँ पे गाड़ी पार्क हुई थी भैया लोग की और हमारी। अभी मेरे को सबसे पहले चाहिए चाय और बाकी रूम जो है
ठीक है, 1400 रुपीज़ पर रूम पड़ा। बेसिकली ये जो है लोकेशन लावा कहते हैं इसको, एंड लावा जो है कालिंगपोंग से थोड़ा सा आगे पड़ता है। एक रूम का बालकनी ये वाला है, तो ये काफ़ी अच्छा बालकनी है जो कि भैया लोग को मिला है, और ये हम लोग को छोटा सा बालकनी मिला है। ये जय भोले फिल्म्स के ऑनर पोज देते हुए अभी जो हम तैयार हो चुके हैं, जैकेट पहनना है, हमारे हीरो साहब तैयार हो रहे हैं, पूरा फॉर्मल लुक एकदम मस्त झकास चौचक। क्रिएटर्स लाइफ कोई इशू नहीं, आ जाइए अंदर। कोविड के कारण जो है गवर्नमेंट इसको बंद करके रखा है, इसलिए हम लोग मजबूरी बस मैंने इधर उधर शूट कर रहे हैं। ये भैया हमारा लोकेशन ढूंढने मदद कर रहे हैं। ये भी भैया हमारे स्मार्ट लग रहे हैं भैया, ड्रोन उड़ा रहे हैं भैया। अभी जो है एक लोकेशन पे यहाँ पे अपन अटके हुए हैं, मैगी खाया जा रहा है। ये जो है ये थर्ड लोकेशन है, यहाँ पे चेंजिंग रूम हमारा, पोर्टेबल टेंट। बाकी अभी जो है 3:30 बज रहे हैं, फॉग बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये देख लो, विश्वास नहीं, तो देखो फॉग देखो, मतलब ऐसा लग रहा है कोहरा ही कोहरा, लेकिन अपन अपना काम को अंजाम दिए बिना जाएंगे नहीं। एक्चुअली दिक्कत ये है हमारे साथ कि सर्दी हो रखी है और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। एक्चुअली भूख सबको लगी है, सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाए। हमें और भी लोकेशन में जाना है, बट हमारे पास टाइम की कमी हो रही है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर रात हो गई तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपन जो कार्य कर रहे हैं। हमने एक कपड़ा आज दिन में बदला है, इन्होंने चार कपड़े बदले हैं, बहुत सारा डाले हैं। कपड़ा चेंज करने में कोई टाइम थोड़ी लगता है भैया। बीवी बोलती होगी फोटो खींच के जल्दी भेजे, ओके। आने वाले समय में 2023 में भी भैया के भी साथ वही होना है, हर लोकेशन पे वीडियो कॉल स्टार्ट ऐसे करके। बाल भी ठीक करिए। ये जो है थर्ड लोकेशन है, और अभी जो टाइम हो रहा है 4:30 बज रहा है। थोड़ा थोड़ा लाइटिंग है, बट अभी 2-3 लोकेशन और हमारे बाकी है, जो कि आधे घंटे या फिर 1 घंटे मैक्सिमम शूट हो जाने हैं। सो फार द डे इज गोइंग सो गुड। अच्छा घूमिए, हेलो, हाँ चेंज करिएगा। अरे घूमिए कि नहीं घूमिएगा, बहुत खराब, बहुत खराब, वाहियाद बनाता है। फालतू में प्री वेडिंग के लिए लेकर आया है। YouTube सब्सक्राइबर्स को हंसाने के लिए मेरा डालता है। सामने ओके, कमर पे हाथ, ओके। तो अभी पोस्ट प्री वेडिंग शूट चल रहा है। भूख लगी है। और ये मेरा, सारे लोग मिलके चाय की चुस्की लेंगे। ये मोमोज, कॉम्प्लीमेंट्री सूप, चाउमीन। भूखा आदमी प्री वेडिंग के नाम पे ठूसने मजा आ रहा है बाबा। बहुत टेस्टी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। ये हम खाएंगे चाउमीन इस तरीके से, लकड़ी से। गौर से देखिए इस इंसान को। और अभी जो है कैफे का सूट चलने वाला है। ये यहाँ पे स्क्वाट, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है इसी वजह से कैप वगैरह ग्लव्स वगैरह पहन के रखे हुए। आइए मैडम जी बैठिए। Twelve seconds later, three days later, three weeks later, many months later. अभी डेवलपमेंट, अभी छोटे भाई को पैसा भेज रहा है, देख रहा है कौन से अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है। अभी जो है गर्मा गर्म कॉफी पिया जा रहा है, उससे जाओ ना। बस बस खाना नहीं है उसको। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। चलो पैकअप करा हो। ये जो जुगाड़ चल रहा हम लोग का नाइट सूट के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा जुगाड़ लगा है इसको एस्टेब्लिश करने में। और पीछे से लाइट, और फिर ये
धुआं, यहाँ पे जो है बॉनफायर, यहाँ पे हीरो हीरोइन असिस्टेंट। प्री वेडिंग देखो ना किसी करवा, शाम को जंगल में चला जाएगा, पानी में तैरवा देंगे ठंडा में। बस बस ये लकड़ी का स्टैंड जो है बैठने वाला प्रॉपर बनाया गया है। तुम लोग मुंह से भाप दो ना, धुआं जैसा लगेगा। और इधर जो है स्नोमैन फेंकने की तैयारी, स्नो चला गया। अरे क्या स्नोमैन बना दिए पूरा। चलिए चलिए एक बार शॉट देखना है। शॉट तो लाजवाब क्या है, ये सबसे मस्त है भैया। कहाँ से लाए जरा स्नो दीजिएगा, हम मारते चलेंगे सब जगह। स्नो डिस्काउंट वाला पूरा पढ़ा दिए ना, चलेगा बहुत मस्त है। लेकिन पहले वाला बहुत फेस पे तो आना चाहिए ना। रुके रुके रुक जाइए, अरे रुकिए दादा, रुकिए रुकिए। रेडी रेडी स्नो क्या क्या था, क्या था फिर से बोले हैं। वेट एंड वॉच, रेडी ये क्या है सोने चीज़, सबसे प्रीमियम शॉट है, सबसे प्रीमियम शॉट है आज का ये। भैया आपको भी मजा आ रहा होगा। स्नोमैन पूरा बने हुए हैं, ये देखो अभी जो बहुत प्यारा सनराइज हो रहा है। देखो यहाँ पे अभी अराउंड 6:45 हो रहा है। यहाँ पे जो है फोटो सेशन और वीडियोग्राफी चल रही है। एक्चुअली सुबह 6 बजे के अराउंड उठे थे, बट धीरे धीरे कर करके लेट हो ही जाता है, एज यू नो अपन लेट चलते हैं हमेशा। ये लावा व्यू पॉइंट है और यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, गाड़ियाँ वहाँ लगी हुई हैं। जो हमारा लास्ट डे है और अप्रोक्स 12-1 बजे तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे पटना के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है पहुँचना आज की डेट में, बट वी विल मेक इट पॉसिबल। यहाँ से शॉट लिया जा रहा है रोड को ब्लॉक करके, और ये पल्लू किसी वक्त उड़ सकता है, और हम लोग यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। आ, उड़ा। ये जो है प्लास्टिक फ्री जोन है, बट यहाँ पे सिर्फ प्लास्टिक्स हैं और इधर पूरा सिस्टम चालू है। बाकी ठंड लग रही है, अभी धूप थोड़ा सा कम हो रखा है और अभी भी शूट चल रहा है। पिछले हम लोग 2 घंटे से आसपास यहाँ पे शूट करवा रहे हैं। ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हो, ये वाला और ये वाला रास्ता, ये रास्ता नॉर्मल नहीं है, ये रास्ता एकदम ऐसे ऐसे इस तरीके से। अपनी गाड़ी जो है 4x4 है नहीं, तो कैसे तैसे करके अपन चला लिए गाड़ी को ऊपर। ये वर्थ इट है कि नहीं यहाँ पे आना वो भी देखते हैं। बोला तो ये भी क्या है कि यहाँ से नाथुला पास दिखने वाला जो सिक्किम का है, मतलब एक बच्चे की जान लेंगे ये लोग। हम लोग ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर नीचे आए स्टेयर से, हम लोग क्लूलेस है कि हम लोग ऊपर 1 किलोमीटर कैसे जाएंगे। इस कैमरे में तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये वाला जो जगह, ये वाला यहाँ से नेकेड आई से विजिबल है क्लियरली, ये स्नो माउंटेन से ये वाला, और ये जो है ये नाथुला पास का माउंटेन है। नाथुला पास अगर नहीं देखा है तो आई कार्ड पे लिंक आ रहा होगा, जाके देखिए। ये पूरा रेंजेज जो है ये पूरा नाथुला पास का है। इस पार जो है चाइना बॉर्डर है और इधर इंडिया बॉर्डर है। हम लोगों ने जो जगह डिसाइड की है वो ये वाला छोटा सा जो बना हुआ है स्पेस, इस वाले स्पेस में हम लोग शूट करने वाले हैं ताकि एक व्यू मिल जाए। बाकी मुझे दिक्कत इस बात से है कि हम 1 किलोमीटर ऊपर स्टेयर से पैदल कैसे जाएंगे। ये वाला पूरा जो देख रहे हो, यही जाने में मेरी हालत टाइट हो चुकी है। देखिए, हाँ देखी नहीं थी, देखना। और भैया कैसा लग रहा शूट करके? अभी तो भैया बहुत थक गए हैं। थक गए हैं? हाँ, सोने का मन कर रहा है। और रुपेश भाई कैसा लग रहा शूट करके? बहुत अच्छा। हाँ, डायरेक्ट करके?
बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है तभी तो ये काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। How's the Josh? अभी होटल जा रहा है, कुछ फ्रेशन अप होके चाय या ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। Cheers। हालत खराब हो चुकी है, चाय की चुस्की जरूरी थी। अब आप ये सोच रहे हो कि हम लोग फोटो शूट कराते कराते ट्रैकिंग कैसे करने लगे, तो ये भी फोटो शूट का पार्ट ही है। हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं एक वाटरफॉल पे फोटो शूट करवाने के लिए, जो कि हमारा लास्ट लोकेशन, और ये सबसे टफ टास्क है कि हमें ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा, तो इसके लिए स्टिक लिया गया है। जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब फोटो शूट करके हम लोग थक जाएंगे फिर आने में दिक्कत होगी हमें। बैठ के चले क्या? हाँ वो भाई बस बस अमित जी बहुत अच्छा। क्या कर रहा है? वीडियो बना रहा है। अरे अमित भाई मेरा ही बनाई है क्या? हाँ चलो। ये एक्चुअली हमारे साथ ही आ रहा है। तो वो तो सुना ही होगा, कुछ अच्छा अगर आपको करना है या फिर कुछ अच्छा पाना हो उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। तो हमारा कुछ हस्म कुछ ऐसा हुआ है, नाखून हमारा हल्का सा टूट गया। हमें यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाना था और फोटो खिंचाने चक्कर में स्लिप हो गया और टूट गया। लेकिन अच्छा पार्ट ये है कि हाथ को ऊपर रखना पड़ेगा ताकि ब्लड फ्लो जो है थोड़ा सा कम हो, ठीक है। और हम जिस लोकेशन पे आए हैं उस लोकेशन पे आना वर्थ था, एक्चुअली मतलब वर्थ था। 45 मिनट्स ऑफ ड्राइव, उसके बाद फिर आधा घंटा ट्रैकिंग, उसके बाद जूते भी तो ये सब करना वर्थ था जिस लोकेशन पे बनाया है। यहाँ पे जो कार्यक्रम स्टार्ट है, छोटू भाई यहाँ पे खड़े हैं।